कैसे क्या मंडली, आपका द मेसो पॉडकास्ट में स्वागत है। मेरा नाम है चिन्मय पालव। वापस मैं आपसे जुड़ चुका हूँ एक नई कहानी मेरी ही लेके, बोर्ड्स रिलेटेड। तो जैसे ही आपको पता है कि 10th एंड 12th के बोर्ड काफ़ी पास आ चुके हैं, तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी ही बोर्ड्स की कहानी आपसे शेयर करूँ। आ चुका हूँ। ये कहानी शुरुआत होती है अब। इट वॉज़ लाइक 9th 10th। हमें पता है कि कोरोना के कारण बहुत सा हमारा पीरियड ऑनलाइन स्टडीज़ में जा चुका था, और मैं एक स्टूडेंट था इंस्टीट्यूट ऑफ महेश ट्यूटोरियल्स से। इनमें एक प्रथा थी एफ ए नाम की, जिसमें वो 90+ स्टूडेंट्स को बुलाकर फेलिसिटेशन करवाते थे। एज अ बेसिक जो भी बोर्ड्स में इंटर करता है एंड 10th में इंटर करता है, उसका एक ना एक थॉट तो होता है कि ही कैन जस्ट क्रॉस आउट 90% एंड कैन बी सो हैप्पी एंड वेल फेड। एज अ नॉर्मल स्टूडेंट मेरा भी यही एम था कि मैं 90+ लाऊंगा एंड ऑल दो स्टफ्स। शुरुआत होती है वैसे। अब कैसा है, 9th तो पूरा गुजर गया, अब कैसे गुजरा वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जिसे आपको सभी को पता है। 10th भी ऑलमोस्ट 6th मंथ जो भी स्टडी थी ऑनलाइन हो चुकी थी। 10th भी ऑन द वर्ज ऑफ एंड स्कूल और क्लासेस का। अब मेन पार्ट था अपने एग्ज़ाम्स का। अब मुझे याद है कि हमारा एग्ज़ाम्स जो था वो मार्च में शेड्यूल किया गया था, करीबन 10th या 11th 12th समथिंग मार्च से हमारा फर्स्ट पेपर चालू होने वाला था। अब जैसे बोलता है कि मूवीज़ में अगर आपको मिर्च मसाला न डाला जाए तो वो मूवी ही मूवी क्या रहेगी। वैसे हर एक स्टोरी में एक एंड मोमेंट का टर्न आना बहुत ज़रूरी होता है। यही हुआ मेरे साथ। फेब 6, ये दिन है जब हमारी लता दीदी लता मंगेशकर जी का निधन हो चुका था। अब ये दिन को डिक्लेयर किया गया था कि अगले दिन छुट्टी होगी। आई वॉज़ लाइक चलो ठीक है, बोर्ड्स पास आ रहे हैं, छुट्टी दे रहे हैं, इट वॉज़ वेल फेड। हाँ, दुखी तो मैं था बट इट वॉज़ ओके। अब आया फेब 7। अब फेब 7 में मैंने जब अपनी आँखें खोली तब मुझे न्यूज़ ये आई कि माई ग्रैंड मदर वॉज ऑफ, जो कि मेरे ही साथ रहा करती थी। अब कैसा है ना कि लाइफ में मैंने पहली बार अपने लाइफ में, खुद के लाइफ में किसी अपनों को खोते हुए देखा था। अब ये तो ठीक है कि रियल लाइफ में हम मूवीज़ में और बाहर अपने सराउंडिंग्स में बहुत लोगों को डेथ ऑफ होते हुए देखते हैं, बट इट वॉज़ नॉट दैट काइंड ऑफ फीलिंग जो अपने ऊपर आती है। लाइक सैडनेस था। मैंने अपनी पहली बार लाइफ में अपने पप्पा को अपने आँखों के सामने रोते हुए देखा था। ऐसा कोई भी स्टूडेंट लड़का हो या लड़की, सीइंग हिज फादर क्राइंग आपके आँखों के सामने इज़ द मोस्ट फकिंग डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ये था। अब कैसे था कि माय मॉम वाज आल्सो अनस्टेबल ड्यूरिंग दोज टाइम, फादर भी। कैसा है कि एक सपोर्ट सिस्टम तो होता है, इवन दो इफ शी वाज माय स्टेप ग्रैंड मदर, स्टिल शी वॉज कनेक्टेड टू मी इन सम और अदर वेज। उसमें मैं डीप नहीं घुसना चाहूँगा। चालू करते हैं। कैसे है, 30 डेज का डेडलाइन मेरे सामने है बोर्ड्स। 15 डेज ग्रैंड मदर के रिचुअल्स में चले गए, 15 दिन मेरे हाथों में थे। कैसे था कि मैं भी एक स्ट्रॉन्ग ही बंदा हूँ तो मैं रोना नहीं चाहता था, बट एट दैट टाइम सीइंग माई मदर क्राइंग I also started crying sometime. कैसा है कि थोड़ा बहुत इमोशन चलता है, क्योंकि मुझे तो चाहिए था कि मैं मोटिवेटेड रहूँ हर समय तक, क्योंकि टिल द एंड डेट ऑफ माई बोर्ड पेपर मुझे चाहिए कि मैं 90 लाऊँ, और वो मैं झक मार के लाऊँगा, ये मुझे पता है। चलो रोना धोना सब हो चुका था। रिलेटिव्स आ रहे हैं घर पे, बोर्ड है कैसे गड़बड़ रहे हैं कुछ कुछ लाइक, हाँ होता है लाइफ में। जब खुद के ऊपर आता है ना, तब खुद को समझ में आता है कि एक्चुअल लाइफ सिचुएशंस में क्या होता है। यही था। 15 डेज तो ख़त्म, अब मेरे हाथों में है 15 डेज। तो मैं वेल प्रिपेयर्ड था कि अगर मैं 90% नहीं ला पाऊँगा, मैं बेसिकली अपने दादी के ऊपर पूरा इल्ज़ाम डाल दूँगा कि
ही जस्ट गॉट इन टू हेवन बिफोर 15 डेज ऑफ माई बोट्स. तो बेसिकली मेरा कोई फॉल्ट नहीं था, क्योंकि 15 टू 20 डेज तो रिलेटिव्स घर पे आने पे गए. अब मैं पढ़ाई कब करूँगा, क्या करूँगा, सामने पूरी दीवार खड़ी है, मुझे पता नहीं है मुझे कहाँ जाना है, ये सब चालू था. अब मैंने वो समय में बोर्ड्स कैसे कैसे दे दिए. अब बोर्ड्स ख़त्म हो चुके थे, बोर्ड्स तो दे दिए. अभी था लॉन्ग लास्टिंग वैकेशन जिसमें मैंने भर भर के एन्जॉयमेंट किया. लाइक मेरा तभी का शेड्यूल भी था कि सुबह मैं मस्त खेलने जाता था, शाम को भी खेलना, शाम दोपहर को भी खेलना, फुल ऑन, मतलब खेलना ही खेलना था, कभी पढ़ाई को याद नहीं किया था. सो बेसिकली 3 मंथ्स मेरा रिजल्ट था. तो मैंने 3 महीने अपने लाइफ के सबसे हैप्पीएस्ट दिन में से बिताए. सो वो भी चले गए. अब था जुलाई का महीना जब SSC स्टूडेंट्स का रिजल्ट आने वाला था. कैसा, आपको पता है आपने पेपर्स अच्छे से दिए हैं, बट आपको ये भी पता है कि अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो यू हैव वन ऑप्शन कि आप दूसरे इंसान पर ढकल दो कि इनके वजह से मेरे मार्क्स गिन गया है. ये मेरे बैक ऑफ माइंड में था, बट मेरे पेपर सारे अच्छे जा चुके थे. सो आई वॉज लाइक वेल कॉन्फिडेंट कि मुझे 90+ मार्क्स आराम से मिल जाएंगे. अब था रिजल्ट का दिन. रिजल्ट आई नो 11 बजे कुछ आया था, एंड रिजल्ट जब आया तब मेरा मार्कशीट में स्कोर था 89.80%. 1 मार्क्स के लिए 0.20% की वैल्यूएशन होती है. सो ऐसे मेरा 1 मार्क की वजह से 90% का एक्यूरेट स्कोर जा चुका था. इवन दो इट वॉज लाइक 89.80%, एग्रीगेट 90 ही बोलते हैं मोस्टली, बट मैं वो चीज़ हार चुका था. अब कैसा कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं ऐसे में जाऊँगा, ये वो करूँगा, 90% मिल जाएंगे. मेरे सारे टीचर्स MT के स्कूल के कॉन्फिडेंट थे कि जिनमें विल क्रॉस 90% आराम से, नो वरीज, नो फकिंग डील फॉर इट. मैं भी फुल प्रिपेयर था. बट अब क्या, अब तो आया मुझे 89.80%. अब मुझे ना तो FMA जाने के लिए मिलेगा, ना मैं एक अपनी इमेज दिखाने के लायक बचूंगा. मुझे याद है कि उस दिन भले ही घर में सब खुश थे, मैं अंदर ही अंदर दुखी था. अब कैसा है ना कि आपको लगता है ना कि पूरे साल इतनी मेहनत करने के बाद अगर आपको आखिर में एक चीज़ चाहिए, आप एक रेस में हो, आप फर्स्ट हो टिल द एंड ऑफ द रेस, एंड आप लाइन क्रॉस करने ही वाले हो और कोई दूसरा आके वो लाइन क्रॉस करके फर्स्ट प्राइज जीत जाता है. यही मेरे साथ हुआ था. 1 मार्क के कारण आई लॉस्ट माई फकिंग 90%. वो तो हो चुका, FA मैंने मिस कर दिया था. अब मेरे फ्रेंड्स वगैरह पूछ रहे थे कि कितना मार्क्स आया वगैरह. मैं तो बोला कि हाँ 90% आया एंड एवरीथिंग. दे वर लाइक हैप्पी किचन में भी FA में आएगा, बट उनको ये कहानी पता ही नहीं थी कि आई डिडंट गॉट एक्चुअली 90, आई गॉट 89.80, एंड बिकॉज ऑफ दैट वन फकिंग मार्क्स आई लॉस्ट द FA. अब उस दिन मेरे काफ़ी फ्रेंड्स चले गए इंस्टीट्यूट में पेड़े वगैरह बांटने के लिए. मेरा तो वैसे भी मन था नहीं, छक मार के तो बैठा था घर में कि क्या ही करूँगा, अभी इतना मेहनत किया और लाइफ ने ऐसा गेम खेला, कुछ नहीं. तो बेसिकली मुझे याद है कि मम्मी पापा ने 11 kg ऑफ स्वीट्स, अंजीर बर्फी एंड अलग अलग 2 प्रकार के स्वीट्स पूरे फैमिली में बांटे थे. कैन यू जस्ट इमेजिन 11 kg ऑफ स्वीट्स. दे वेर द मोस्ट फकिंग हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, मेरे 2 पेरेंट्स. हर कोई रिलेटिव्स आता उनके सामने, वो बोलते कि यस माई चाइल्ड स्कोर 90%. ऐसे था ना कि आपको अगर मेरा बैकग्राउंड पता होगा तो मैं एक मस्तीखोर कैटेगरी का लड़का था. सो नो वन लाइक एक्सपेक्टेड कि चिन्मय जैसा बंदा एक 90% का स्कोर अचीव कर पाएगा. सो इट वॉज लाइक नहीं चिन्मय क्या करेगा ब्रो, एंड एवरी रिलेटिव लाइक ओ 90% चिन्मय को मिला. आई वाज लाइक हाँ मिला मेरे को. इवन दो दिस माई बाहर से मैं जो दिखा रहा था अंदर से वो थी नहीं. इवन दो माई मॉम एंड डैड न्यू दैट चिन्मय वॉज़न्ट दैट हैप्पी, बट
उनका एक यही कहना था कि ये सब किया है पेरेंट्स, जो भी अर्न कर रहे हैं वो एक बच्चे के लिए ही कर रहे हैं, सो दे आर ट्राइंग टू एक्ट हैप्पी कि वो मुझे एक सहारा दे काइंड ऑफ थिंग। अब ये कहानी भी हो चुकी थी ऑलमोस्ट एन एंड, बट मुझे अंदर से पता था कि आई एम गोइंग टू गेट दैट फकिंग 90 और मुझे FMA जाना है। इसीलिए मैंने रीचेकिंग करवाया, मैथ्स का पेपर जहाँ मुझे सबसे कम आया 85 मार्क्स, वो रीचेकिंग का मंगाया। वो मंगाने के बाद उसमें मुझे पता चला कि जो सम मैंने मैथ्स के MT के सोल्यूशन से किया था वही सम उसमें आया था, एंड आई 100% कॉपीड दैट फकिंग सम सेम। एंड देन मुझे मार्क्स, 3 मार्क्स मुझे नहीं दिए थे उसमें, मुझे याद है। एंड वेन आई ट्राई टू कन्वे द मैसेज टू MT वालों से, तो MT की एक खास टीचर थी मैम, आई वोंट रिवील दैट नेम, सो उन मैम से मैंने कंसर्न कराया, एंड देन दैट मैम टोल्ड दैट ये सम एक्चुअली MT वालों ने ही गलत छापा है। सो यू कैन जस्ट रियलाइज गाइस कि आपको पता है ये सम आपने खुद राइटली सॉल्व किया है, एंड आई लॉस्ट माई 3 मार्क्स बिकॉज ऑफ दैट टेक्स्ट बुक MT वालों का। अभी क्या, सब तो मेरे हाथों से वैसे भी चला जा चुका है, बट एक ही क्वेश्चन है आपसे कि आर यू सेटिस्फाइड? क्योंकि ये सब तो हो चुका है, मैंने रोना धुना कर दिया, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आई डिडंट गॉट 90% और वो 90% एग्रीगेट पे था। नो मैटर्स कितने भी सारे लोगों को मैं बोल दूँ कि मुझे क्या आया, बट जो पेन मैंने फेस किया बिकॉज ऑफ दैट 1 मार्क्स विल बी रिमेम्बर्ड फॉर एवर। क्योंकि 1 मार्क एक बच्चे के ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंस देता है ये तो मुझे 10th में ही समझ गया। तो यही कहानी थी जो मैं आपके साथ शेयर करने चाहता था, और सब हो चुका है, बट नेवर माइंड गाइस, मेरा कुछ बुरा हुआ क्या इसमें? नहीं ना, आई एम नाउ इन द फकिंग वन ऑफ द रेप्यूटेड कॉलेज ऑफ द मुंबई सेंट जेवियर्स का एक स्टूडेंट हूँ। कुछ हुआ क्या मेरे साथ बुरा? बुरा, 1 मार्क ने मेरी 90 छीन लिया, मेरे कॉलेज भी छीन लिया, मेरे ड्रीम्स भी थोड़े बहुत छीन लिए, बट क्या फ़र्क पड़ता है? एट द एंड ऑफ द डे वॉट मैटर्स इज दैट आर यू सेटिस्फाइड?